हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं अभी आई जस्ट स्कूल से। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं अभी स्कूल से आई, फिर बाद में अभी मेरे को क्लासेस जा रहा है। फुल बिजी हूँ मैं, अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, में फुल टेंश, एग्जाम्स आ रहे हैं। जरा मेरे को बेस्ट ऑफ लक विश तो करो। करने तो दे, ऐसे डांट के बोलेगी तो वो लोग करते नहीं है। हर चीज में गुंडागर्दी, बेस्ट ऑफ लक मांग रही है वो भी। बेस्ट ऑफ लक तो करो, ऐसे नाम में वो लोग करते नहीं है। करेंगे करेंगे जरा प्यार से। ऐसे गुंडागर्दी तो डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं बाबा मैं प्यार से बोलती, प्यार से बोलती। ऐसे नाम नहीं रखा है लेडी डॉल। मैं प्यार से बोलती हूँ। हाँ प्लीज, क्या क्या करना था मैं भूल गई। हाँ, मेरे को प्लीज मेरे को एग्जाम में विश कर दो, बेस्ट ऑफ लक। शायद तेरा पेपर अच्छा चला जाए। जाएगा जाएगा, सब लोग बेस्ट ऑफ लक कर देना ये लेडी डॉन को। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उन्होंने बोला था लेडी डॉन इज सो क्यूट। आई खुश हो गई। आई मैं दो पौने दो बज रहा, मैं नहाई भी नहीं हूँ। आंटी से थोड़ा काम था। आंटी वो डब्बा भर भर के खाना देते हैं ना मुझे, वो डब्बा रिटर्न करने आई थी। मैं कुछ बनाई मैं और भर के आई। मैं आज ब्लॉगिंग के मूड में नहीं थी। ये इसने बोला दीदी ब्लॉग, और मैं बोली चल। हाँ, वरना मैं अभी चेंज करने आ रही थी। मैंने बोला अरे जरा स्कूल का यूनिफॉर्म, जरा डैशिंग स्कूल का यूनिफॉर्म तो दिखा दो, बट मेरे को मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म पसंद नहीं। ओह डोंट से लाइक दैट। वो यूनिफॉर्म वगैरह जो पहनते हैं, वाओ जरूर। मेरा स्कूल का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलो मैं अभी निकलूंगी क्योंकि पौने दो बज रहा है। मैं नहाई भी नहीं हूँ और एकदम चिपकू चिपकू बनी हूँ। मुझे शैम्पू भी करना है, काफ़ी टाइम लगेगा मुझे आज। मैं तो चेंज करना है, फिर बाद में क्लासेस जाना है, फिर बाद में घर पे आना है, फिर बाद में नीचे भी जाना है, फिर बाद में सो जाना है। पूरा शेड्यूल, पूरे दिन का शेड्यूल बता दिया अभी से लेके क्या क्या करना है। हाँ राइट, ऐसे ही अपने ही लोग है ना तो बता दिया। हाँ चलो अभी फ्रेश हो जाओ। हाँ। मैं भी चलती हूँ आंटी। सब्सक्राइब टू फैशन एंड फाइनरी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। 4 बज रहा है। हेयर वॉश करना था तो नहाने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर लंच वंच किया, अभी रेडी हो गई हूँ, कहीं जा रही हूँ। आप लोगों को साथ में लेके जाने वाली हूँ मैं। लाइफ का एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ मैं आज, तो इसके लिए आप लोग गवाह हो। ठीक है चलिए। मैं आ गई हूँ जावेद हबीब में, हेयर कट लेना है। बालों का विसर्जन दे रही हूँ आज मैं, बहुत हो गया लंबे बालों का फैशन। चार बजे निकली थी मैं, थोड़ा काम भी था वो सब निपटा के और दूध लेके फिर आई। और जैसे नीचे सोसाइटी में आई, पहले तो बच्चे दीदी बाय, उसके बाद बड़े, लेकिन तारीफ कर रहे सब लोग, बोल रहे कि अच्छा लग रहा है। मैं ना कई सालों से अपने आप को एक ही लुक में देख देख के पक गई थी। मुझे लगा कि नया लुक चाहिए मुझे, ताकि मैं भी एकदम खुद को देख के थोड़ा नयापन लगे मुझे, और लुक चेंज होना बहुत ज़रूरी था। और ये जो लेंथ है ना, अभी फैशन में है। आप लोग अगर टीवी पर देखते हो मॉडल्स और एक्ट्रेसेस, अभी ये सब के यही हेयर कट है ना। तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि मैं भी तो फैशन इंडस्ट्री से ही हूँ, तो क्यों ना फैशन को फॉलो करूँ इसके लिए। और दूसरी बात है कि मुझे मेरे बाल से बहुत प्यार था, मेरा जो लंबे बाल थे ना मेरे, उससे मुझे बहुत प्यार था। लेकिन बहुत सारी चीज़ होती है जिससे हमें प्यार होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ से कट जाती है जो हम चाहते नहीं कि कट जाए,
है ना, बहुत सारे रिश्ते हैं जो कट जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कट जाते हैं हमारे लाइफ से। तो बाल कौन सी खेत की मूली है, ये तो घर की खेती है, आज काटा कल से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा है कि नहीं। और वैसे भी काटने के बाद अभी हमारे यहाँ पड़ोस में का नेबर है, उन्होंने भी तारीफ़ किया कि अच्छे लग रहे हो आप, पहले से अभी बेटर लग रहे हो, और ब्यूटिशियन ने भी खुद बोला कि मैम आप पहले से अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो तारीफ़ मिल रही है इसमें भी, मुझे तारीफ़ मिल रही है उसमें भी मिलती थी, तारीफ़ इसमें भी मिल रही है। दूध बॉयल हो रहा है, मुझे हॉट चॉकलेट और ब्राउन ब्रेड टोस्ट खाना है रात में, और उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाऊंगी। काफ़ी दिनों से ना मैं वॉक पे नहीं गई, एक तो दो चार दिन ऐसे निकल गया सर्दी और ये जो थोड़ा बुखार वगैरह जैसा हो रहा था ना बॉडी पैर एंड ऑल उसमें, और उसके पहले भी मैं बिजी थी, तो कई दिनों से मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ। अभी 8 बजे तक मैं डिनर करके 8:15 तक मैं निकल जाऊँगी वॉक पे। हमारे नेबर में लेडी है, हमारे बिल्डिंग की सेक्रेटरी है, वो बोल रही थी कि थोड़ा यहाँ तक तो रखती बाल। मैं बोली नहीं, मुझे यहीं तक चाहिए था, इनफैक्ट ब्यूटिशियन यहाँ तक काट के पूछ रही थी, मैंने बोला नहीं एकदम उड़ा दो, शोल्डर तक उड़ा दो। तो कभी ऐसे लोग लड़कियाँ ना शिकायत करती हैं कि ब्यूटी पार्लर में जाओ तो जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा काट देते हैं, ऐसा वैसा, और ऐसा करते हैं वो लोग सच में। लेकिन आज ब्यूटिशियन खुद जितना बोली उससे ज़्यादा मैंने बोला कि निकाल दो काट दो। सो बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मेरा हेयर कट, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और हेयर कट के मामले में ना मैं या तो हबीब का सलोन या तो VLCC दोनों ही प्रेफर करती हूँ शुरू से। मैं किसी के हाथ में बाल छोड़ना ना डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, इसके लिए मैं ये दो ही जगह है जहाँ पे हेयर कट के लिए एटलीस्ट जाना पसंद करती हूँ। ये है मेरा हॉट चॉकलेट मिल्क और 4 पीस ब्राउन ब्रेड टोस्ट। डिनर करूँगी और भागूंगी। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, विल सी यू विद अ न्यू व्लॉग। टिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल एंड बाय बाय।